हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटीशियन स्टाइल ऑफ कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कुदरत। तो फ्रेंड्स, आज तक जो आपकी वोटिंग है ज़्यादा वो पिंक कलर को ही है। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूं तब तक तो मैंने आपके लिए ये वाली लुक क्रिएट की है ईद सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये लुक पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले। तो फ्रेंड, इससे मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ और मुझे होता है मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने फ्रेंड्स CTM कर लिया है, अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है तो, और मैंने अपने आईलिड्स को भी जो है कंसील कर लिया है। तो यहाँ पर मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो मॉर्फी का जो है जो पैलेट है, लेकिन इसका नेम क्या है, ब्रांड क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बाय किया था तो इसका ब्रांड नेम मैंने बाद में देखा कि नहीं था। तो उसमें से मैं पिंक शेड लेकर अपने आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ। आउटर वी पर अप्लाई करते हुए थोड़ा सा मैं इनर साइड पे लेके जाते हुए मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आपको धीरे धीरे ही कलर पिक करना है और अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। तो अब मैं सेम पैलेट में से ये वाली शेड ले रही हूँ, ये वाली शेड के साथ मैं इस पिंक कलर को ब्लेंड करूंगी और यही मेरी ट्रांजिशन शेड भी होगी। तो आपको अच्छी तरह इसको ब्लेंड करना है। देखिए आपकी एक आई में देखिए कैसे किस तरह ब्लेंड हो गया है, दूसरा देखिए अभी तक वैसे हार्श लाइंस हैं। तो आप अच्छी तरह ब्लेंड करें। तो उसके बाद अगेन मैं एक पेंसिल ब्रश के हेल्प के साथ सेम पहले वाला पिंक कलर ले रही हूँ। अगेन मैं उसको आउटर वी पर फोकस करते हुए मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो अगेन मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये शिमरी शेड है। तो इसको मैं नेक्स्ट अप्लाई करूँगी। आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आई बॉल के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी और मैं ब्लेंड करूँगी। तो अगेन मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प के साथ सारी शेड्स को जो है अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी ताकि हार्श लाइन्स ना दिखे। तो अब मैं ये वाली शेड ले रही हूँ, इसको मैं थोड़ा इनर साइड पे अप्लाई करूँगी और मैं इसको ब्लेंड करूँगी। लेकिन थोड़ा सा आपको इनर साइड थोड़ा सा स्पेस रखना है, थोड़ा सा रखना है कि ताकि हम अपना जो बाद में है दूसरा कलर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर मैं एल ए गल का प्रो HD प्राइमर ले रही हूँ। इसको मैं अपने टी जोन पर फोकस करते हुए अच्छी तरह मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ डकी फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन। फ्रेंड्स, जो भी शेड्स वगैरह होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इसको मैं डॉट डॉट करके फेस पर लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे माउथ के आसपास की थोड़ी डिस्कलरेशन है, मैं भूल गई थी करेक्ट करना। तो इसको पहले मैं अभी ऑरेंज करेक्टर के हेल्प के साथ ये मैक का पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं कंसील करूँगी, करेक्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये। इसके साथ मैं इस कंसीलर को सेट करूँगी। तो अगेन मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, अपने नेक पर भी आपको अप्लाई करना है, अपने ईयर्स पर भी। तो उसके बाद मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इस सारी फाउंडेशन को जो है ब्लेंड कर दूँगी। आप टाइम लेकर अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करें, जब तक ग्लो ना दिखे आपको अपने फेस पर ब्लेंड करें। तो अब मैं यहाँ पर फोकेलूर का कंसीलर ले रही हूँ, जो भी शेड होगी मैं मेंशन कर दूंगी। तो इसके साथ मैं अपने फेस को जो है हाईलाइट करूँगी। आप देख रहे हैं अंडर आईज, नोज और होलोज हमारे चीक्स के होते हैं, उसके नीचे आप देख रहे हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, कहाँ कहाँ अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद आपको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इस कंसीलर को भी जो है ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं यहाँ पर बन नायका बनाना पाउडर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने कंसीलर के ऊपर लगाऊंगी और अपने मैं फेस को भी जो है बेक करूँगी। तो जहाँ जहाँ भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ इसको आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपका ऑयली फेस है तो आप ज़रूर इसको बेकिंग को करें। तो अब मैं फोकेलूर के हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट में से ये वाली शेड लेकर इसको मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, अपने इनर कॉर्नर्स को जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्रोबोन को भी हाईलाइट करूँगी। तो अगेन मैं सेम पैलेट में से पहले वाली शेड ही ले रही हूँ पिंक वाली। तो इसको मैं लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ और इसको आपको लगाना है और ब्लेंड करना है, आपको इनर साइड तक नहीं जाना है, ये ध्यान रखें। तो उसके बाद सेम ट्रांजिशन शेड मैंने अप्लाई की थी उसके साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी। तो थोड़ा सिर्फ इसके एजेस को ही ब्लेंड करें आप, पूरे दोनों में दोनों शेड से ब्लेंड ना करें। तो उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर फोकेलूर का मस्कारा लेकर अपनी अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज को कोट कर लूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ फोकेलूर का पेन लाइनर। तो इसके साथ मैं एक थिक विंग जो है वो क्रिएट करूँगी। मैंने यहाँ पर ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ कि मैं कैसे लाइनर जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए।
तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पेन लाइनर बहुत ही इजी होता है बिगिनर्स के लिए, तो आपको इसको लगाना है, अच्छी तरह नीट कर लेना है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने मैक का काजल यूज़ किया था अपनी वाटर लाइन के लिए। तो अब मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प के साथ जो मैंने बेकिंग की थी उसको मैं डस्ट आउट कर दूंगी अच्छी तरह। तो उसके बाद यहाँ पर मैं फोकेलर का लूज पाउडर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने फेस को भी सेट कर लूंगी जहाँ मैंने सेट नहीं किया था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ एले गर्ल का पिंकी पैलेट, उसमें से ये मैं ब्राउजिंग शेड लेकर अपने फेस को ब्राउज अप कर लूंगी। मैं कोई हैवी कंटोरिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो सेम पैलेट में से ये वाली पिंक शेड लेकर मैं ब्लश ऑन कर लूंगी। तो सेम फोकुलर के हाइलाइटर पैलेट में से मैं अपने फेस को हाईलाइट भी कर लूंगी थोड़ा सा ग्लो देने के लिए, जस्ट एज यूजल। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पुडेर की लिक्विड लिपस्टिक एंड मैंने किस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया था शेड्स जो है मैं मेंशन कर दूंगी, और मैंने फॉल्सेस भी अप्लाई कर ली थी ऑफलाइन। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं किस ब्यूटी की सेटिंग स्प्रे के साथ अपने फेस को सेट कर लूँगी। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको ईद सीरीज़ की पहली वीडियो? तो आपको फ्रेंड्स अगर मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली और भी ईद की सीरीज़ है मेकअप की वो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी से मिल जाए और आप किसी भी मेकअप लुक को जो है मिस ना कर पाएँ। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।